जोधपुर पाल रोड स्थित आशियाना द्वारका सोसाइटी के बाशिंदे मनमाने मेंटेनेंस चार्ज के चलते गांधीवादी तरीके से विरोध दर्ज करवा रहे हैं। यूरोक सोसाइटी के संचालकों के मनमाने तरीके से मेंटेनेंस चार्ज वसूले जाने का विरोध कर रहे हैं। सोसाइटी के अधिकतर फ्लैट मालिकों ने अपने फ्लैट की बालकनी पर तख्तियां और बैनर लगाकर विरोध जताते हुए एक संदेश देने की कोशिश की है कि वो तो बिल्डरों के झांसे में फंस चुके हैं, कृपया कोई दूसरा ना फंसे। पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ पे आशियाना द्वारका में रह रहा हूँ। मेरा सर फ्लैट नंबर M409 है, 2 BHK। जब मैंने फ्लैट लिया था तब मुझे कहा गया था कि मेंटेनेंस आपसे 3 हज़ार रुपये पर महीना लिया जाएगा और जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे आपका मेंटेनेंस रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन हालत यह है सर, मुझे 1.5 साल हो गया आते हुए, मेरा मेंटेनेंस अब जो जुलाई का मेरा मेंटेनेंस आया वो आया सर 4,050 रुपये पर महीना, जो कि घटना चाहिए जबकि बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जब मैंने उनसे बात की तो वो कह रहा है कि मेंटेनेंस और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। दूसरी बात सर, पानी यहाँ पे ऑयल के टैंकर में सप्लाई हो रहा है, बिल्कुल गंदी क्वालिटी का पानी है। IOC के टैंकर्स में पानी सप्लाई हो रहा है और पानी के ऊपर पूरा ऑयल चल रहा है, बच्चों के बाल झड़ रहे हैं। तीसरी बात सर, मेरे से 65,000 रुपये उन्होंने लिए हैं आशियाना द्वारका में पानी की लाइन डलवाने के लिए। हाँ सर, 4 साल हो गए हैं पानी की लाइन। लिखित में है कुछ आपके पास? जी सर, जो आपने अभी रसीद है सर हमारे पास 65,000 रुपये की, और पर मंथ सर जो बिल आया है वो तो प्रिंट आउट आते हैं उसके और बाय चेक हम उसको पेमेंट करते हैं। तो आपने शिकायत की तो अब मैनेजमेंट या अथॉरिटी आशियाने का क्या? सर हमने काफी लेटर इनको लिखे हुए हैं लेकिन उनकी तरफ से सर कोई जवाब नहीं आ रहा। हम सर उनसे ये मांग रहे हैं कि हमको जो एक्सपेंसेस आशियाना द्वारका जो खर्च कर रही है उसके हमको डिटेल दें, बैंक स्टेटमेंट दें, CA सर्टिफाइड कॉपी दें, ताकि हम जस्टिफाई कर सकें कि आपसे आप हमसे जो 4,050 रुपये जो पर मंथ मेंटेनेंस ले रहे हैं वो सही है कि नहीं है, जबकि वो हम उनको लिख के थक चुके हैं, उनसे मांग के थक चुके हैं, वो हमको नहीं दे रहे। इसके अलावा यहाँ पे सर RWA सोसाइटी इन लोगों ने बनाई हुई है 4-5 ऑनर्स को लेके, पूरी डमी सोसाइटी है जिसकी न बैंक अकाउंट खोला गया है न मेंबर्स बनाए गए हैं। अगर ये RWA को खड़ा करके उनके थ्रू हमसे मेंटेनेंस लेते हैं तो सर हम GST से बच जाते हैं, जबकि वो हम 18% GST पर मंथ भर रहे हैं। विरोध जताते हुए फ्लैट मालिक ने बताया कि आशियाना द्वारका सोसाइटी के बिल्डर ने उनको 3 BHK फ्लैट बेचा था। इससे सोसाइटी के संचालक ने उनसे मेंटेनेंस चार्ज 3200 रुपये मांग लिया था, इसके बाद उसे बढ़ाकर 4200 रुपये कर दिया गया। वर्तमान में ये चार्ज 4800 रुपये हो गया है जो कि न्यायोचित नहीं है। ब्लॉक में रहती हूँ, Phase 2 में। हम लोग जब यहाँ पे फ्लैट परचेज करने आए थे तो यहाँ पे हमसे बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि यहाँ पे मेंटेनेंस बहुत कम होगा, आपको बहुत फैसिलिटीज मिलेगी, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। हम लोग आए थे तो हमें यहाँ पे 3200 मेंटेनेंस बोला गया था, जबकि अब 4200 हो गया है। हम लोग अभी रहने 2 महीने आए और 2 महीनों में 1,000 रुपये मेंटेनेंस बढ़ चुका है, जिसका ये लोग कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही बाशिंदों का आरोप है कि इस तरह की प्रणाली अपनाकर बिल्डर द्वारा फ्लैट मालिकों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने JDO और अन्य अथॉरिटी को भी शिकायत कर दी है। जोधपुर से न्यूज के लिए योगेश दवे की रिपोर्ट।